global advertisers, scaling new heights in outdoor media. पिछले लंबे समय से व्यापारियों द्वारा चल रहे अवैध कारोबार को रोकने की कोशिश कर रहे याकूब शेख, मुंबई पुलिस के सहयोग से याकूब शेख ने कई ऐसे मामलों को उजागर भी किया है, पर पिछले कुछ समय से उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। ऐसा आरोप याकूब शेख और उनकी पत्नी ने लगाया है। मुसाफिर खाना क्राफर्ड मार्केट में रहता हूँ और मेरा अशोका में शॉपिंग सेंटर है। शॉपिंग सेंटर के अंदर मेरी ऑफिस है। इसके अंदर मैं एक जीपी नेट कंपनी बोल के कॉपीराइट की कंपनी एजेंसी खोला हूँ और न्यूज़पेपर स्थानीय समाचार और बॉम्बे लोकल न्यूज़ का ये हमारा खुद का है चैनल। एक साल पहले मैंने मुसाफिर खाने के अंदर एक एजेंसी से मैं पेपर लिया था जो ब्रांडेड घड़ी आती है, जो रॉलेक्स है, टैगवर है, वो है। उसके ऊपर मैंने एक केस किया था, 1,45,00,000 का माल मैंने जब्त किया था MRMR पुलिस स्टेशन के साथ में। उधर माल मिला, माल जब्त किया, उसके बाद में फिर 4 महीने बाद में वापस एक केस किया, वो 1,65,00,000 का वह माल मिला। तो इससे जो मार्केट के माफिया लोग हैं वो एकदम हलचल हो गई है उनको, कि उनने दूसरे माफिया लोग के साथ मिल के मेरे को ऐसा सोचे कि यहाँ से हटाना ही है। तो ये लोग ने मेरे पर बहुत से एलिगेशन किए और मेरे पर अभी उसके बाद में पटना के अंदर एक FIR प्राइवेट केस लॉन्च किए, क्या ये चीटिंग केस है, जबकि मैं पटना कभी गया ही नहीं हूँ। तो आपको किसी पे शक है कि कौन सा एक आदमी है और उसने वो मुसाफिर खाने का बेड़ा उठाया है कि अब वो सामने नहीं आता है, उसके आदमी लोग रहते हैं पीछे और वो पूरा वहाँ सेटिंग करता है। उसके बाद में वो क्या करता है, डायरेक्ट कि कोर्ट में केस फाइल करता है, मगर ना तो समन्स आता है ना तो कुछ आता है, डायरेक्ट NVW आ रहा है। ये ऐसे उसने एक मेरे दो मेरे पर किया है और एक मेरे घर की मेरी जो लड़की है वो प्राइवेट केस फाइल किया, सूट फाइल किया उसने BMC के पर, बॉम्बे की BMC के पर, वहाँ फाइल किया। क्या बोले ये जो घर लिए कैसा ट्रांसफ़र हुआ, क्या हुआ बोल के, तो BMC ने बोली कि ये झूठा केस है और ये केस यहाँ BMC की जगह पर लोन कैसा दिए तुमने, और जबकि मैंने उनसे ख़रीदा ही नहीं था घर खरीदा, पूरा डॉक्यूमेंट लिया था और मैं पूरा एग्रीमेंट वगैरह करके लिया था, मगर तब भी वहाँ लोग ने सूट फाइल किए। फिर इसके बाद में एक लड़की का आया है, लड़की का जो केस ऐसा आया है कि लड़की को छेड़ा बोल के ये केस है, वहाँ भी से वो भी NVW आया। लड़की को ज़िंदगी में पटना नहीं गया और ना तो मेरे को पता भी नहीं मालूम पटना का। मैं बहुत से बहुत गया हूँ, तो बॉम्बे के बाहर पुणे तक गया हूँ और महाबलेश्वर गया हूँ, उससे आगे मैं कहीं जाता नहीं हूँ। उसके बाद भी वहाँ से ही NVW सब जितने केस आ रहे हैं सिर्फ NVW के ही आ रहे हैं, न कोई समन्स आ रहा ना तो कुछ आ रहा। NVW से MRMR के पुलिस तुरंत मेरे को उठाने के लिए आ जाती। अभी ये जो लेडीज़ का था, मैं 6 महीनों के कुछ आके इधर MRMR पुलिस स्टेशन में, जबकि मैंने 3 बार कंप्लेंट करने गया हूँ, 2 बार जो मेरी कंप्लेंट थी उसका स्टेटमेंट लेने गया हूँ, तब मेरे को नहीं उठाया। जब मैंने सीनियर के खिलाफ उनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की DG डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, तो वहाँ की तारीख 8 तारीख की रही थी, तो मगर मेरे को रास्ते में 7 तारीख को उठा लिए लोग। 7 तारीख उठाने के बाद मेरी बाइक ले लिए, मेरी बाइक छुड़ा ली, मेरी बाइक छीन ली, मेरा मोबाइल छीन लिए, यानी 4-5 पुलिस वाले लोग सब सादे ड्रेस में, और छुड़ा के मेरे को छीन के और मारा धक्कम धुक्की देके वहाँ मेरे को लेके गए। फिर मेरे को गाड़ी पे बिठा के बोलते हैं कि आपको मैं समझाया था ना, तुम समझ रहे नहीं हो, अभी तुम्हारे को हम पटना भेजेंगे। तो हिसाब चाहिए मेरे को जस्टिस के, और जो ये हो रहा है ये लोग ये जो माफिया हैं मुसाफिर खाने के, वो माफिया लोग ही सब कर रहे हैं कि मेरे पीछे। और एक आदमी है जिसके ऊपर मैंने केस किया था 506(2), वो मेरे पीछे लगेला है और बोलता है कि मैं नासिक भी जाऊँगा अभी दे जाएगा, यानी मेरी जो घर वाले फैमिली जाते हैं ना बीच में चैलेंज से बोलते हैं कि मैं तेरे को यहाँ भेजाऊँगा, यानी झूठी केस बनाने में एकदम हो गया। फैजान शेख है ये, मतलब यही एरिया के दो लोग हैं जो बहुत तंग करके रखे मेरे डैडी को। मेरे डैडी आज तक कभी पटना गए नहीं, ये पटना में 2 FIR बन गए मेरे डैडी के खिलाफ, एक तो जून में बना, एक तो रिसेंटली आया,
और फिर है ना उन लोग पुलिस वाले, मेरे डैडी एक पत्रकार है, पुलिस वाले ने कोई सम्मन नहीं भेजे नाके पे मेरे डैडी अचानक से गए तो वो लोग ना पकड़े, चावी वावी छीने, एकदम गलत व्यवहार करे। फिर हम लोग है ना वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचे, एमआरएमआर पुलिस स्टेशन, वहाँ बोले कि मेरे डैडी तबीयत ख़राब है, वो अभी जा रहे हॉस्पिटल, हम लोग का जो भी है सच या झूठ है वो हम लोग तुम्हारे को फेस करेंगे, या तुम लोग भी देखो क्या है क्या नहीं, पटना में इन्फॉर्म करो कि मेरे डैडी तो आज तक कभी पटना नहीं गए, दो FIR बना कैसा ये तुम करो। तो सीनियर साहब ने बोले कि हम लोग किसी को भी नहीं जानते, कौन लड़की की, किसने की, हम लोग किसी को नहीं जानते, ये लड़की फरियादी है, कौन है, हम लोग किसी को नहीं जानते, पटना आज तक हम लोग ने कभी सफ़र नहीं किए। हाँ है, एक बबलू भोपाली दस्तगीर बोल के है और एक अशरफ है, ये दो जन हैं, उसके पीछे और भी बहुत लोग हैं जिनका नाम मैं अभी लेना नहीं चाहती हूँ, ये लोग की मिली भगत है, इन लोग की साजिश है। हाँ, रूम के ऊपर से ये लोग का हुआ था, तो इन लोग ने 5 साल पहले सेटलमेंट की है, यहाँ पे सांदल उठा है दरगाह का, यहाँ पे आप मेरे डैडी ने खर्चा करके जो कैबिनेट बना है वो लोग में, ये लोग सोचते हैं कि खाचे की लाइन डाले, तो मेरे डैडी को जान का डर था कि हम लोग यहाँ नहीं डालेंगे, हम लोग का घर ऊपर पड़ता है, ये खाचे की लाइन डालने नहीं दिए, तो उसने ये सब काम किया और ये सब डालता है, केसेस बना के उसी का ही काम है ये डालना, लेकिन वो बोलता है क्या मेरा नाम है क्या, ये है क्या। तो हम लोग ने यही पुलिस को बोले कि जब वो नई लाम ले रहा तो हम लोग पटना आज तक गए नहीं, तो फिर ये केस कौन बना रहा, उसको सामने लाओ। तो ये जो लोगों के, हाँ वो पटना आता जाता है मोहम्मद बबलू दस्तगीर बोल के, अभी कुछ मदद नहीं मिली है पुलिस से, हम लोग कोऑपरेट करने बोले, क्या है ना मेरे डैडी बीमार है, तो मेरे डैडी को बोले नहीं जो भी है अभी कोर्ट जाएंगे ये जाएंगे, क्या पता हम लोग को नीचे भगा दिए, धमकी दे, मेरे डैडी ऊपर गिर गए, मुँह से फेस वगैरह छूटा, हम लोग को इन्फॉर्म नहीं करे, हम लोग को कुछ भी नहीं बोले, खुद ही उतारे पकड़ के, जब मैं ऊपर चढ़ी के क्या हुआ देखने के लिए, तो मेरे डैडी को वो लोग पकड़ के बहुत गलत व्यवहार से लेकर आ रहे थे, तो हम लोग, मैं और मेरे भाई जाके बोले कि हम लोग को दो, जैसा हम लोग लेके जाएंगे, तो उन लोग ने ना ऐसा डाले अंदर और ज़ोर से जैसे सर पे मार लगा, 3-4 घंटे तक तो होश नहीं था, फिर सेंट जॉर्ज से उनको प्रिंस अली खान लेके गए, ऐसे ऐसी साजिश मेरे डैडी के खिलाफ चढ़ रही है, और अभी बोलते हैं कि ना और भी बोले 6 केस बनाया हो, यही बबलू भोपाली मेरी नानी थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे, तो बोले अभी तो 2 केस बनाया हो, अभी और 6 केस बाकी है। तो आप किससे मिले? कमिश्नर, पूरे जितने भी बड़े बड़े हैं मुंबई कमिश्नर, जो भी है पॉलिटिशियन, में सबसे मदद चाहती हूँ कि हम लोग का कोई मदद करे ये सब चीज़ों के लिए। जो बिहार में किए जा रहे हैं याकूब भाई के खिलाफ, ये उसकी कॉपीज है, डायरेक्ट NBW आया है, कोई समन नहीं आया, एक भी बार उनको कोर्ट से समन नहीं आया, बुलाया नहीं गया, हमें सफाई का कोई मौका नहीं मिला, डायरेक्टली इनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ गई, जिसके कारण से याकूब भाई को ऐसे दिल का दौरा पड़ गया वहीं पर, और इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, पुलिस खुद ही लेकर गई हॉस्पिटल, और ये सूट है, एक सूट भी उन लोगों ने सिविल सूट भी फाइल कर दिया है पटना बिहार में, सर तो कभी गए नहीं याकूब भाई वहां पर, लेकिन फाइल हो रहे हैं ये केसेस, हमने ये लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार, इन सब लोगों को हमने ये लेटर लिखा है अपनी तरफ से कि ये जो फेक इनके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है, FIR हो रही है और केस बनाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन और सरकार संज्ञान लें।